मेहरबान कदरदान नादान भाईजान, मैं रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ खाना खाइए, वहाँ तो भीड़ भाड़ है और खाना बेकार है, यहाँ पर्सनल सर्विस है और खाना बहुत बढ़िया है। गुरु, अरे गुरु कहाँ जा रहे हो, जरा मेरी बात तो सुनो। देखो या तो मेरी आंखें धोखा खा रही है या फिर उस लड़के ने मुझे आग मारी है, जरा तुम देखो ना। मुझे भी मारी है? हाँ? लगता है इसे आग फड़कने की बीमारी है। नहीं नहीं नहीं, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, मुझे बाई आग मारी और तुम्हें दाई। अरे गुरु देखो हरे रामा में तो बहुत भीड़ है, आज नाश्ता हरे कृष्णा में कर ले। इसलिए कि जवान कन्या ने आपको आंख मारी? और वो भी जिंदगी में पहली बार। गुरु मेरे तो किस्मत खुल गई। शाबाश बेटी शाबाश, लगता है वो फंस गया है। जानती है बेटी आज तूने किसको फंसाया है? दिनेश ट्रक ड्राइवरों का लीडर। आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, आज तो हमारे हरे कृष्ण होटल का नसीब खुल गया। आइए पधारिए पधारिए पधारिए, आप तो लीडर है, पधारिए पधारिए। अब आप आ गए हैं तो सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए आ जाएंगे, वरना उस चुड़ैल ने हमारा होटल बंद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कौन चुड़ैल? वही बेला सामने वाले होटल की मालकिन। सब ड्राइवर को गुंडा और बदमाश कहती है, कुत्तों से कटवाती है, फिर भी सब लोग वही खाने जाते हैं। क्यों? जवान और दिल फेक है, वरना मेरी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती है, या तो किसी फाइव स्टार होटल में मिले या तो इस गरीब की होटल में मिले। अरे गुरु ये कितने भले लोग हैं। गुरु कितनी बुरी बात है कि सामने के होटल में इतनी भीड़ और ये होटल बिल्कुल खाली, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, है ना? माफ कीजिए, मैंने बड़े मन से प्यार से खाना बनाया है, इसलिए जरा देर हो गई। कोई बात नहीं। आह क्या खुशबू है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। असली घी में बनाई है ना, इसलिए थोड़ी नरम है, खाइए ना खाइए ना। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने सचमुच बहुत प्यार से खाना बनाया, सारा नमक मेरी सब्जी में डाल दिया। जी नहीं, वो जरा नमक मिर्ची की डब्बी उलट पलट हो गई बस। क्या मिर्ची, मेरे मुंह में आग लगी। शक्कर खाओ, शक्कर शक्कर खाओ, शक्कर शक्कर शक्कर। इसके मुंह में क्या डाल दिया? सोडा, वो भी कपड़े धोने। इसके कपड़े में कोई नहीं आता। ठीक है, आप अपनी औरत से कहिएगा जरा कम प्यार से खाना बनाए, हम तो कान पकड़े। आज के बाद हरे कृष्ण होटल में आने का नाम तक नहीं लेंगे। माफ कीजिएगा, आप पहली बार फंसे हैं। चुप, चल मैं खोलो, चलो। हटा दिया ना इतने बड़े आदमी को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरी सारी स्कीम में फेल कर दी, इतने बड़े आदमी को जहर खिला दिया। अरे तूने जो 15 साल से जहर खिला रही, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो आदत पड़ गई है, लेकिन इसका तो पहला दिन था।